नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शार्क टैंक इंडिया में आने वाले शार्क की इनकम कितनी है और शार्क टैंक स्क्रिप्टेड है या नहीं। इसी के साथ दुकानदारों का सबसे बड़ा डेटा किस व्यक्ति के पास है पूरे भारत में। फैक्ट नंबर वन, अश्नीर ग्रोवर, ये एक भारत पे कंपनी के को फाउंडर है और इनका नेटवर्थ 21,375 करोड़ है। अमन गुप्ता, ये बोट कंपनी के को फाउंडर है और इनका नेटवर्थ 10,500 करोड़ है। पीयूष बंसल, ये लेंस कार्ड के को फाउंडर है और इनकी नेटवर्थ 37,500 करोड़ है। गजल अलग, ये मामा अर्थ की को फाउंडर है और इनकी नेटवर्थ 7,500 करोड़ है। अनुपम मित्तल, ये शादी .com के को फाउंडर है और इनकी नेटवर्थ 15,000 करोड़ है। विनीता सिंह, ये सुगर कॉस्मेटिक की को फाउंडर है और इनकी नेटवर्थ 4,000 करोड़ है। नमिता थापर, ये एमक्योर की को फाउंडर है और इनकी नेटवर्थ 15,000 करोड़ है। फैक्ट नंबर दो, शार्क टैंक इंडिया में कभी भी कोई भी डील कैमरे के सामने पूर्ण नहीं होती है। डील होने के बाद भी शार्क्स पीछे जाकर कंपनी का बैकग्राउंड चेक करते हैं कि कहीं कंपनी कोई फ्रॉड तो नहीं है, उसके बाद डील को कंप्लीट किया जाता है। फैक्ट नंबर थ्री, हर एक कंटेस्टेंट को पिच करने के बाद मनोवैज्ञानिक के पास भेजा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पिच देना इतना मुश्किल होता है कि उसके बाद कई लोगों को तो चक्कर तक आ जाते हैं, इसलिए उन्हें मनोवैज्ञानिक के पास भेजकर उनकी पूर्णतः जांच करवाई जाती है। फैक्ट नंबर फोर, भारत में दुकानदारों का सबसे बड़ा डाटा सुनील ग्रोवर के पास है, क्योंकि ये भारत पे कंपनी के को फाउंडर हैं और यह ऐप पैसे ट्रांसफर में उपयोग किया जाता है। अभी तक 1 करोड़ से भी ऊपर इस ऐप के यूजर्स हैं। फैक्ट नंबर फाइव, शार्क टैंक इंडिया बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है, बल्कि कंटेस्टेंट शार्क्स को पिच देने के बाद ही पता चलता है शार्क्स को कि कंटेस्टेंट कैसा है, पहले कभी भी ये इनसे नहीं मिले होते।